है तेरे दिल को पता। सर आपकी फाइल जो आपने मंगवाई थी। थैंक यू। मेरे दिल के अंदर इतनी बेचैनी क्यों? किसी काम में दिल ही नहीं लगा। आखिर कैसे समझाऊं दिल को? हमदान वकास जी, मैं आपके पास तो टाइम नहीं, एक हफ्ते से ना मिलने आए ना फोन किया, सोचा कि मैं खुद ही आ जाता हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो कुछ मीटिंग्स वगैरह थी और वो एक टेंडर था उसके ऊपर कोई इशू आ रहा था तो उसकी वजह से। यार ये सब कुछ तो पहले भी चलता था, तुमने मिलना तो नहीं छोड़ा था ना? इस बार बात कुछ और है और मैं सब जानता हूँ। यार मतलब कैसी बात? मौसूफ इश्क के समंदर में डूबे हुए, निकले तो मिलने आए ना। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसी बात है, तू मुझसे कुछ छुपा नहीं सकता, मैं सब जानता हूं। ये बता कि शादी हो गई उसकी? नहीं, आज मेहंदी है और कल बारात। ओ तो उसकी शादी का गम मना रहे, ये दूल्हा खुद क्यों नहीं है? यार बस कर, झूल बातें मत कर। देख यार, तू किसी के दिल से जबरदस्ती नहीं कर सकता, वो अपनी खुशी में खुश है, तुम अपने लिए जिंदगी के नए रास्ते तलाश करो। तुम्हारे नसीब में अगर वो नहीं है ना, तो तुम नसीब से लड़ नहीं सकते। हाँ युसरा मैडम, ये बताओ क्या सोचा तुमने? किस बारे में? ये बताओ कि कब मिलने का प्लान है, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। बताओ कहाँ आना है? वेरी नाइस, हम इस बार जाएंगे फार्म हाउस। तुम्हें पता है ना, घर में एक टेंशन हो जाती है। वैसे भी मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, मैं कुछ सोच के बताती हूँ। ओके मेरी जान, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। बाय। क्या इंसान खामोश पे बुला रहे, अल्लाह मैं क्या करूंगी। युसरा तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? मेरा दिल नहीं कर रहा, आप चली जाएं। फिर मूड खराब है ना तुम्हारा, समझाया भी था ना कि मूड ऑफ नहीं करते। आप जानती हैं फरहाद का मैसेज आया था। रियली? क्या कहा उसने? सुने, ये बताओ कि कब मिलने का प्लान है, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। एक और है, इस बार हम फार्म हाउस जाएंगे। अरे वाह, इसका मतलब है कि शिकारी खुद जाल में फंसने के लिए तैयार है। क्या मतलब? अरे मतलब छोड़ो ना, बस तुम तैयार हो जाओ, तुम ये समझो कि तुम्हारे सारे मसले हल हो गए। वो कैसे आंटी? अरे बाबा, आम खाओ पेड़ मत गिनो, बस जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ
क्या हुआ, चुप क्यों लग गई तुम्हें? माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही अनुषा, काश हमारा निकाह आज हो जाता और मैं तुम्हें अपने साथ घर ले आता। अच्छा तो डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे काम है मुझे, मैं फोन बंद कर रही हूँ। अनुषा 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 प्लीज बोलो, 5 मिनट रुक जाओ, मुझे ठीक तरह तुम्हें देखने तो दो, मैंने तुम्हें ठीक तरह देखा भी नहीं। हारिस तो आ रहे हो ना, देख लेना। हद कर दिए यार, लोगों की भीड़ में कैसे देखूंगा तुम्हें। तो एक काम करो, कल देख लेना, कल तो कोई रुकावट भी नहीं होगी, जितनी देर दिल चाहे देखते रहो। क्या ये कल अब कब आएगी? बाय अनुष। तुम आओगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। यार तुम इतना अर्जेंट बुलाओगी तो रायना मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं मिल रहा। हाँ वो एक्चुअली मैं शहर से बाहर हूँ, सिग्नल इश्यूज हैं। शहर से बाहर मतलब आज का प्लान कैंसिल? नो, बिल्कुल कैंसिल नहीं है, बस मैं 1 घंटे तक पहुँच जाऊंगा। फॉर गॉड सेक 1 घंटा बहुत लेट हो जाएगा, मैंने उसको बहुत मुश्किलों से मनाया है और फिर वापसी में हम बहुत लेट हो जाएंगे। Come on, Raina, तुम अभी भी उसे रोक सकती हो, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। देखिए एक बात बताओ, वैसे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैं आज यसरा को ना तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ। अब आगे तुम जानो, पर तुम्हारा काम उसे किस तरह से काबू करना है ये तुम अच्छे तरीके से जानते हो, काफी चाहते हो। ओके बेबी आई एम कमिंग, बाय। हमदान, यूसरा, अरे भाई कहाँ ये लोग, इनको पता भी था कि आज अनुषा की मेहंदी पर जाना है। कौसर। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। इसलिए मैं आ गया था ऑफिस। ये यूसरा और हमदान कहाँ हैं? यूसरा बीबी तो राणा मैडम के साथ कहीं बाहर गई हैं और हमदान भाई अभी तक आए नहीं। ऑफिस में ही? जी। अच्छा चलें ठीक। सलाम अलैकुम बाबा। हमदान कहाँ हो यार? ऑफिस में। तो ऑफिस में क्या कर रहे? कुछ पेंडिंग पेमेंट्स थी, बस उनको देख रहा था, वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाई इतना जरूरी थोड़ी था, कल कर लेते, और वैसे भी मैंने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। अनुषा की मेहंदी पर जाना है, भूल गए क्या? जी 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 याद है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ शादी अटेंड करूँगा, मेहंदी में जाना इतना कोई जरूरी थोड़ी है। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो। जी बाबा। बेटा तुम आई नहीं अभी तक। बाबा अभी पार्टी स्टार्ट भी नहीं हुई है, मैं कैसे आ सकती हूँ? इट्स टू लेट, अनुषा की मेहंदी पर जाना है बेटा। सॉरी बाबा मेरा मूड नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्वीटी, अब वो हमारी फैमिली है। हमारी नहीं, आपकी फैमिली है। मगर बेटा। बाबा प्लीज डोंट फोर्स मी, आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू गो देयर, प्लीज मैं नहीं जाऊंगी। बाय।
such a long time na. I know, right? वो कौन सी लड़की थी my class में? She was so funny. She... Sadia. Yes, Sadia. Where is she? I don't know. Yusra. तो कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ. आंटी आप क्यों परेशान होती हैं? Don't be worried about me. I'm not a kid. मैं घूम नहीं सकती. Anyways, meet my friend Hira. We have done schooling together, right? और फिर ये मैडम चली गई दुबई एंड वहाँ पे अपनी स्टडीज कंटिन्यू किया और वहीं शिफ्ट हो गई. इतने अरसे बाद मुझे मिल रही है ये. हेलो हेरा. हेलो आंटी. आप पाकिस्तान विजिट पे आई हुई हो? जी. सिस्टर कम ऑन ना, प्लीज हमें ज्वाइन करो. आई विश आई कुड बट मैं क्या करूँ, आई एम ऑलरेडी वेरी लेट. नेक्स्ट टाइम. इतने टाइम के बाद अपनी फ्रेंड से मिली हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो ना उसके साथ. आई नो आंटी बट यू डोंट नो ना, बाबा की कॉल आई थी, कह रहे फौरन आ जाओ. फारूक का फोन क्यों? उनकी अनुषा की मेहंदी है ना आज, तो कहते फौरन आ जाओ. मैंने तो साफ इनकार कर दिया नो. तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व. वैसे भी घर जाके क्या करूंगी, बोरी होगी ना, ना हमदान होगा ना फारूक होंगे. लिसन, अब मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी, अब तो तुम्हारी आंटी ने भी परमिशन दे दी है. चलो हैव फन, मैं भी आती हूँ. हाँ एक्सक्यूज मी. आई डोंट नो यार. ओके आई एम कमिंग. देख के जीता हूं मैं, कल हमेशा के लिए पराई हो जाएगी, मेरा घर सूना हो जाएगा. माइयों की दुल्हन तो आज आप लग रही हैं. लेकिन आप माइयों के दूल्हा बिल्कुल नहीं लग रहे. अरे आप गए तो बन जाते हैं. फारूक आप भी ना. अभी आपने तो कहा. मजाक कर रहे थे. लेकिन मैं सीरियस, बहुत प्यारी लग रही. थैंक्स. से पहले मैं ऐसे तैयार नहीं होती थी आपके लिए. थैंक यू सो मच. मैं सोच रहा था कि तकरीब के बाद लॉन्ग ड्राइव पे चलूं. आज? हाँ भाई दिल चाह रहा है. लॉन्ग ड्राइव इट इज देन. अच्छा मैं आती हूँ सबको देख के. हाँ तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसे लेकर आती हूँ. आ जाएगी ना? Of course. और उसे थोड़ी पता है कि तुम यहाँ पे हो. मैं तो उसे फ्रेंड के बहाने लेकर आऊंगी. लेकिन सुनो, वो जो ड्रिंक है ना वो तुमने तैयार रखनी है, क्योंकि वो ड्रिंक पिलाते ही मैं फौरन निकल जाऊंगी. और दूसरी बात, जो गेस्ट हाउस है वहाँ मैंने बुकिंग करवा दी, तो तुम उसे लेकर वहीं चले जाओ. अरे मैं तो उसे सीधा चांद पर ले जाऊंगा, मेरी जान. लेकिन एक बात बताओ, उसके बाद का तो तुम सबको संभाल लोगे ना? सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, मैंने सारी प्लानिंग कर दी. अच्छा यू डोंट हैव टू वरी नाउ. ओके भाई. अच्छा सुनो, गाड़ी में बैठो, मेरे फोन का वेट करो, मैं जैसे ही फोन करूंगी
फौरन आ जा। यार आई थिंक अंकल ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इनफैक्ट वो स्मार्ट हैं, यंग हैं और पूरी लाइफ इस तरह अकेले तो गुजार नहीं सकते। या आई नो आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट, आई एग्री, बट स्टिल अगर शादी करनी है तो अपनी क्लास के औरत से करें ना, लाइक जिसके स्टैंडर्ड्स हमसे मैच होते हो। एक मिडिल क्लास वुमन को ला के हमारे सरों पर बिठा दिए। तुम्हें पता है द मेन प्रॉब्लम इज दिस कि अगर उन्होंने अपना ख्याल नहीं किया तो हमारे ख्याल कर लेते। वो औरत हमारे साथ कहीं मूव नहीं कर सकती, किसी से उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। वी आर सो स्टक नाउ। कम ऑन युस्रा, लाइफ पापा को गुजारनी तो ऑब्वियसली उनकी पसंद मैटर करती है, और क्लास इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती अगर वो एजुकेटेड हैं तो। पता नहीं, एजुकेशन का तो मुझे कुछ नहीं पता। वैसे हरकतें उनकी एजुकेटेड तो लगती नहीं है। आई मीन हर वक्त वो किचन में घुसी रहती हैं, किचन के काम करना, चीजें सजाना और बाबा के वार्डरोब में घुस जाना, वहाँ की सफाइयाँ करना, सारी मुलाजमा वाली क्वालिटीज हैं उनके अंदर। Really? वो ये सब करती हैं? Yeah, you are amazed ना? मेरी भी यही हालत है। Such an illiterate woman. No, no, Yusra. मैं तो ये सब देखने के लिए तरस गई हूँ। You know, मेरी मामा की तो सोशल एक्टिविटीज इतनी हैं कि घर पे तो नजर ही नहीं आती। कई कई दिन हो जाते हैं हम मिल नहीं पाते। कभी कभी तो मुझे मेरा घर घर नहीं होटल लगता है, जहाँ सब अपनी मर्जी से आते जाते हैं। यू आर लकी कि तुम्हारे पास एक ऐसी लेडी है जो घर को घर बनाना जानती है। हेलो, या आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, लेट्स गो युस्रा। ओके ओके, लेट्स गो, लेट्स गो। राइट, कहाँ जा रही हो? आंटी मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, आप पता नहीं कहाँ चली गई। वो मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड मिल गई थी, बस उससे गपशप लगा रही थी। चलो तुम्हें मिलवाना है मुझे उससे। मैं आपकी फ्रेंड से जरूर मिलती, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं, हिरा और इसके कजिन सब जा रहे हैं एक मूवी देखने के लिए, और बहुत अच्छी मूवी है। लेकिन थोड़ी देर पहले तक तो तुम लोग कहीं नहीं जा रहे थे, एकदम से प्लान कैसे बन गया? आंटी हम ऐसे ही हैं, कब कोई प्लान बन जाए पता नहीं। तुम चलो, 5 मिनट लगेंगे, मुझे मिलवाना है उससे तुम्हें। अच्छा ठीक है, चलें। नो नो युस्रा, तुम जा नहीं सकती, मूवी मिस हो जाएगी तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। या राइट, आंटी मैं फिर कभी मिल लूंगी ना, वैसे भी वो आपकी फ्रेंड है, आप जाएं उनके साथ टाइम स्पेंड करें। आई एम गोइंग विद माय फ्रेंड। युस्रा, अगर फारूक का फोन आ जाएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी? आंटी अभी आप ही ने तो कहा था कि घर में कोई भी नहीं होगा, वो लोग लेट हो जाएंगे। सो रिलैक्स, घर में कोई नहीं होगा। अब मैं जा रही हूं, आई एम गोइंग, बाय बाय बाय। युस्रा मेरी बात सुनो, लिसन टू मी युस्रा। God damn it! I hate her. कितनी मुश्किलों से प्लानिंग की थी मैंने, लेकिन युस्रा की बच्ची मेरे हाथों से निकल जाती है। Oh no! इसका तो कोई सॉलिड रीजन देना होगा। हेलो, हेलो रायना, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ गाड़ी में। डार्लिंग, आई एम रियली अपसेट। वो क्या है ना कि युस्रा मुझे कहीं मिल ही नहीं रही है। क्या मतलब है तुम्हारा कहीं नहीं मिल रही? व्हाट डू यू मीन? नहीं नहीं, मैं यहीं पे थी, लेकिन पता नहीं अपनी फ्रेंड्स के साथ कहाँ निकल गई है। मैं देख रही हूँ मुझे कहीं मिल ही नहीं रही है, और फिर उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। हाँ, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले ये स्टूपिड यहाँ आ जाए। हेलो मैडम, कहाँ भागने की तैयारी कर रही हैं आप? कहीं भी नहीं, मैं तो बस युस्रा को ढूंढ रही थी। बहुत हो गया ये तुम्हारा ड्रामा, यही सब कुछ करना था तो इतनी दूर से मुझे क्यों बुलाया तुमने? बोलो। हाँ, काम तुमने मेरा खराब किया, पैसा मैं तुम पे लुटा रही हूँ, और तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। हाँ झूठ बोल रही हो, मुझे बेवकूफ बना रही हो। अच्छी तरह जानता हूँ तुमने इस काम के लिए किसी और को रखा है।
तभी मुझे यहां से वहां दौड़ा रही हो। मेरा नाम भी फरहत है, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अगर तूने युसरा को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुझे बेनकाब कर दूंगा। धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ? धमकी नहीं दे रहा मेरी जान, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तुझे। मैं आज युसरा को ना तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ। अब आगे तुम जानो और तुम्हारा काम उसे किस तरह से काबू करना है ये तुम अच्छे तरीके से जानो। नहीं 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 मेरी जान, इसके अलावा भी बहुत सारे सबूत है मेरे पास। अगर तुमने मुझे युसरा से नहीं मिलाया तो ये सारी वॉइस नोट्स मैं उसके डैड को फॉरवर्ड कर दूंगा, अंडरस्टैंड? यू इडियट, मैं तुम्हारा भले पे भला किए जा रही हूँ, तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तुम खड़े होके उल्टा मुझे ट्रैप कर रहे हो। ट्रैप मैं नहीं, तुम मुझे ट्रैप कर रही हो, मुझे इस्तेमाल कर रही हो इन सब चीजों के लिए। मेरा नाम भी फराद है, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, युसरा को मेरे हवाले कर दो वरना तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा, अंडरस्टैंड? फराद अपना काम अधूरा नहीं छोड़, और वैसे भी मेरा दिल आ चुका है उस लड़की में। 2 दिन, got it? Get lost. वली में जो दूसरे दिन हम हनीमून पर जा रहे हैं, दूसरे दिन इतनी जल्दी? अनुषा, हनीमून पर फौरन ही जाया जाता है, नहीं तो तुम्हें क्या शादी की सालगिरह के पर जाना था? नहीं भाई, मेरा मतलब है कि एटलीस्ट एक हफ्ता तो रुकते ना। क्यों, तुम्हें और कौन सा काम निपटाना है यार, सब काम हो गए। हाँ, तुमने सोचा होगा ना कि पहले किसी की शादी हो जाए, शादी करवानी होगी, कुछ ऐसे ही है ना। मैंने कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा है क्या? हाँ बिल्कुल, शादी में इतना अरसा ले लिया तुमने, हद होती कि पहले अम्मो की शादी हो जाए, अब इसी तरह क्या हनीमून को भी डिले करना चाहती हो तुम? मैं रोक कब रही हूँ हारिस, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि कुछ नहीं, बस बहुत चल गई तुम्हारी मर्जी, अब मेरी मर्जी चलेगी, जो मैंने कहा वही होगा, हम जा रहे हैं हनीमून पर। अम्मी ने टिकट्स भी कंफर्म करवाए। ओके गुड गर्ल, तुम्हें पता है इस दिन के लिए मैंने बहुत इंतजार किया, बहुत सारी हसरतें जो मुझे पूरी करनी है। हसरतें? टिंग मतलब क्या? सस्ती फिल्मों में डायलॉग्स, पागल हो तुम बिल्कुल, चुप करो। वो देखो चश्मिश पे आई यूनिवर्सिटी से, हद होती है, इस लड़की को तो किसी का भी ख्याल नहीं है, आज इसकी माइयें हो और ये इतना मुंह फाड़ फाड़ के हंस रही है, ऐसी होती है दिल ने क्या? बस अभी तो चुप कर जाए, देखते जाए मैं करती क्या, हद होती है वैसे, कम से कम आज के दिन तो चुप रहना था ना। मैं आज युसरा को ना तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ, अब आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। मेरा नाम भी फराद है, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो वरना तेरा वो अंजाम करूंगा सारी दुनिया देखेगी। युसरा
ये तो मेरे अंदाजे से भी ज्यादा होशियार निकला। मेरी बाजी मुझ पर ही उलटती। उफ, अब क्या करूं मैं? मेरा तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। अगर फारूक को पता चल गया फिर तो वो मुझे जलील करके इस घर से निकाल देगा। शायद फिर मैं कभी दोबारा इस घर में दाखिल ना हो पाऊं। मुझे कुछ करना होगा, जल्द अज जल्द। जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी ना तो मैमा सारे के साथ लगी रहती थी, अंदर हलक से निवाला नहीं उतरता था उनके बिना। और फिर जब मैं पैदा हो गई तो क्या मामा ने अम्मू का ख्याल रखना छोड़ दिया? हरगिज नहीं, उसे तो तुमसे ज्यादा उमैमा की फिक्र होती थी। लेकिन मसला कुछ और था। वो क्या? तुम जैलिस होने लगी थी उमैमा से। उमैमा जब सायरा के पास बैठती थी तुम भाग के आके उसे धक्का देके भगा देती थी। हाँ अम्मू, कितनी बुरी थी मैं। मतलब बाबा अम्मू से कौन जैलिस हो सकता है, क्या कह रहे हैं? अरे वो बचपन की बातें हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई मुझसे अटैच होती गई। और फिर तो हाल ये हो गया कि जब भाभी तुम्हें अपने कमरे में ले जाती थी ना तो मेरे नाम की आवाजें लगा लगा के मुझे बुलाती थी। और इस तरह वक्त के साथ साथ तुम लोगों का प्यार बढ़ता गया। सायरा अक्सर कहा करती थी मुझसे कि उमैमा की शादी हो जाएगी तो अनुषा कैसे रहेगी उसके बाहर। और अब मैं सोचता हूं कि मैं कैसे रहूंगा तुम दोनों का। ये अकेला घर तो काट खाने की दौड़ेगा। तो आपको ही शौक था मेरी शादी करवाने का, मैं तो मना कर रही थी। अच्छा खासा हंसी खुशी रह रहे थे हम लोग। बेटियां सारी जिंदगी साथ नहीं रहती बाप के बेटे, एक दिन जाना ही होता है उन्हें दूसरे का। मेरा क्या है, चल चलाओ है। बस मरते वक्त ये तसल्ली रहेगी कि मेरी दोनों बेटियां जो ना वो अपने घरों में आबाद। क्यों करते हैं आप ऐसी बात, मना किया है ना आपको मैंने। चले उठे, अब आपके ना आराम का वक्त हो गया। पता है कल कितना लंबा दिन है और कितने सारे काम है, और आज पूरा दिन आपका बीपी इतना शूट रहा है। चले मैं आपको दवा दूं। मैं वहां थोड़ी देर से बैठ लो बेटा, फिर पता नहीं कब इस तरह बैठ सकेंगे भी या नहीं। अरे क्यों भाईजान, हम दोनों इसकी शादी के बाद प्लान बनाकर दोनों साथ रहने आ जाएंगे। फिर भी बैठ लो थोड़ी देर। देखो हारिस बेटा, हम तुम्हें जो भी समझा रहे हैं ना तुम्हारी भलाई के लिए समझा रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव होके समझना। अरे भाई इतनी लंबी तकरीर जो आपने की है किस खुशी में की? खुशी में तो नहीं लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए जरूर की है। कहना क्या चाहती हैं आप, साफ साफ कहें। हारिस चंदी रोज में ना मुझे अनुषा के मिजाज का अंदाजा हो गया है, इसलिए तुम्हें उसे समझाना होगा कि वो निगहत की ख्वाहिशात का एहतराम करे, किसी बात पर जिद बहस नहीं करे और उसकी बात माने। शिप, कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए मेरी खुशी तो वो है जिसमें हारिस की खुशी है, और वैसे भी मेरी जिंदगी रह कितनी गई है। अगर ये उसके साथ कंफर्टेबल है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ये उसके साथ हंसी खुशी रहे यहाँ पर। मैंने सोच लिया कि अपना बिजनेस इसके हवाले करके मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊंगी। क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? और क्या मैं आपके बगैर कभी रहा हूं? नहीं ना, तो आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी मेरे पास। और रही बात अनुषा की तो उसकी फिक्र मत करें आप। अभी उसकी ये जो जितनी जिदें हैं, जितनी मनमानियां हैं, ये शादी से पहले की हैं। शादी के बाद वही होगा जो मैं चाहूंगा और जो आप चाहेंगे। और इस घर की सरपरस्त आप हैं अम्मी,
यहाँ वही होगा जो आपकी मर्जी होगी। सिंपल, हम सबको मानना होगा। किसी को अपनी मर्जी चलाने की इजाजत नहीं मिलेगी। हारिस कह रहा था कि हम वलीमे के दूसरे दिन ही हनीमून पर निकल जाएंगे। उसकी अम्मी ने टिकट से बुक करवा ली। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन तुम उदास क्यों हो रही हो? अम्मा बाबा अकेले हो जाएंगे ना इतनी जल्दी। देखे ना, उन्हें तो आदत भी नहीं है हमारे बगैर रहने की। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं हूं ना, मैं रखूंगी भाईजान का ख्याल। लेकिन फिर भी मैं चाह रही थी कि एटलीस्ट एक हफ्ते बाद जाते ना, तब तक मैं रोज बाबा के पास मिलने आती, वो मेंटली प्रिपेयर भी हो जाती। तुम ये सारी फजूल बातें छोड़ दो सोचना। माँ बाप जब बेटी का रिश्ता तय करते हैं ना और शादी की तैयारियां शुरू करते हैं, तो मेंटली रेडी हो चुके होते हैं कि अब बेटी से जुदा होने का टाइम आ चुका है। और सारा घूमना फिरना तो शादी के शुरू में ही होता है, बात की बात तो बाद में ही रह जाती है। तुम बस खुशी खुशी जाओ, भाईजान को मैं संभाल लूंगी। अपनी अम्मो पे बिल्कुल भरोसा नहीं है ना तुम्हें? नहीं अम्मो, आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन देखिए, आपके जाने के बाद मैं थी यहाँ पर तो थोड़ा हौसला था। मैं भी नहीं होंगी तो वो अचानक से खुद को बहुत अकेला महसूस करेंगे। मैं उन्हें कुछ महसूस नहीं होने दूंगी। मैं आती जाती रहूंगी। बल्कि एक काम करते, मैं यहाँ रहने आ जाऊंगी। हाँ, प्रॉमिस। अच्छा, बाहर बहुत काम पड़े, मैं जा रही हूँ। हाथों में लगा लिया तुमने मुझे। बाबा से वादा तो कर लिया, मगर कैसे जाऊंगा कल शादी? उसे किसी और की दुल्हन बने देखना बहुत अजीबनाक होगा। पता नहीं मैं उसे भूल क्यों नहीं जाता, जबकि मालूम है कि वो मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करती है। हेलो भाई। हाय। कैसी रही फिर मेहंदी? किसकी मेहंदी? उसी बदतमीज अनुषे की। इस तरह किसी के बारे में बात नहीं करता। एक्चुअली मुझे उसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी है, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल आया। खैर मैं नहीं गया, सिर्फ बाबा गए। वो तो जाएंगे ही। उनकी नई बेगम का हुक्म होगा ना, जो वो हमेशा सर आंखों पे रखते हैं। What's wrong with you? हर चीज को इतना नेगेटिव क्यों लेती हो तुम? और असूलन अगर देखा जाए तो हमें उनके पास जाना चाहिए सब, क्योंकि अब हमारी उनसे रिश्तेदारी है। खैर ये मुझे बताओ कि तुम इतना लेट कहाँ से आ रही हो? क्या मतलब कहाँ से आ रही हूँ? मेरी फ्रेंड हिरा मिल गई थी, हम साथ डिनर करने चले गए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आंटी से पूछ के गई थी। आंटी से पूछना काफी नहीं होता, मुझे और बाबा को भी इन्फॉर्म करना है, समझ आई? गॉड, क्या हो क्या गया आपको? अजीब बातें कर रहे हैं आज। थैंक गॉड आपने ये नहीं कह दिया कि मुझे बाबा की बेगम से पूछ के इस घर से निकलना चाहिए। पता नहीं अजीब ही हो गए घर के अंदर। तुमने मेरा ये काम करना है, तुम्हें मैंने सारी डिटेल्स भेज दी हैं। अब ये काम किस तरह करना है ये तुम सोच लो, जरा थोड़ी सी अपनी भी अकल दौड़ाओ। डोंट वरी ना, मैं जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगी ना तुम्हें, लेकिन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, वो बहुत चालाक है। हाँ और सुनो, मैं तुम्हारे ना कॉल का वेट करूंगी, जो भी प्लान बनाओ जस्ट लेट मी नो। हाँ ओफो,
हाँ हाँ लंच डिनर जो बोलोगे हो जाएगा, लेकिन पहले काम। मैं जानती हूँ तुम किस पोस्ट पे हो। टॉक टू यू लेटर, बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है फारूक, जब से तुमने शादी की है हमारी तो मुलाकात ही नहीं होती है, तुम इतने बिजी रहते हो। कैसी चल रही है तुम्हारी शादी की जिंदगी? बहुत अच्छी। सच पूछो तो आई एम सो लकी कि एक बार फिर मुझे एक आइडियल लाइफ पार्टनर मिल गई है। वैसे क्या पढ़ के फूका है उसे तुम पर जो हर वक्त उसकी तारीफ करते हो? अरे भाई तारीफ उसी की जाती है जो तारीफ के लायक। अल्लाह करे सारी जिंदगी तुम सिर्फ उसी की तारीफ कर। क्यों तुम्हें कोई शक है? मुझे शक हो ना हो इससे कोई फर्क पड़ता है तुम्हें? वैसे भी मेरी राय की तो कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी नजर। मामा के लिए मुझे किसी की भी राय की जरूरत नहीं है, उसके लिए मेरी अपनी ही राय काफी है। आइंदा अगर तुम्हें अपनी या मेरे हवाले से कोई बात करनी है तो मोर देन वेलकम, लेकिन उमामा के बारे में दोबारा बात नहीं करना। हैव अ गुड डे। इस उम्र में इश्क का भूत सवार हो गया है साहब। खैर इसका भूत भी उतारना आता है मुझे। तेरे दिल।